अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हाजिर हूँ आपके बीच में। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे ये किया जाए। बहरहाल इसको ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि आज भी मैं आपको सिर्फ बताऊँगा। मोहम्मद आकिब साहब, मोहम्मद फहीम साहब, रियाजुल रजा साहब, एस आर मुर्तजा रिजवी साहब, अभी क्लास मैट्रिक और इंटर का लाइव होने वाला है शमशेर आलम साहब, अभी क्लास 12 और 10, अबू हुरैरा साहब, शमशेर आलम साहब, मोहम्मद निसार साहब, अब्दुल कादिर साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, रौनक परवीन साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अभी स्क्रीन पर मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है ताकि आप लोगों से रूबरू फ्रॉन बात हो जाए। गज़लों की इस्लाह के लिए आप जा सकते हैं, सीधे सीधे आप जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहाँ से मिल जाएगी किताब, वहाँ से मैं इस्लाह कर दूँगा। और जी अल्लाह पाक का करम है, मैं ठीक हूँ। अकबर अली साहब, महताब साहब, असलम राही साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज बहुत ख़ास बातें आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ, वो आप लोग सुनेंगे। अगर कोई सवाल है तो सवाल करें। रियाजुल रजा साहब टाइम चेंज नहीं किया है, वो 8 बजे वाली जो क्लास है वो 8 बजे ही होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अभी क्लास 12 का लाइव है ये। मोहम्मद आफाक साहब, मोइनुद्दीन साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नज़्म की इस्लाह करवानी है, बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे भेजें। अकबर अली साहब एक ऐप बनाए, किस चीज़ का ऐप? एस आर मुर्तजा साहब आपने ये कलाम भेजा था, लेकिन मशगूलियत कुछ ज़्यादा है और नेटवर्क कल बहुत ख़राब था, इसलिए मैं दे नहीं पाया, उसको देख नहीं पाया। चलिए आज आप लोगों को हिजरत के बारे में बताता हूँ, क्लास 12 को हिजरत। या अगर आप कुछ चाहते हैं तो बता दें कि आप क्या चाहते हैं लाइव क्लास में। इंशाल्लाह आज देखता हूँ मैं। अकबर अली साहब इंशाल्लाह इस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर इस पर बात होगी। इरशाद अंसारी साहब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो आपको क्या पढ़ना है मैट्रिक वाले भी बताते हैं, इंटर वाले भी बताते हैं, उसी हिसाब से मैं कुछ करूँ। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अदब की तरफ। जुनैद साहब वालेकुम सलाम, इरशाद अंसारी साहब वालेकुम सलाम, ताहरा अजमीन साहब वालेकुम सलाम, मोहम्मद निसार साहब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। चलिए अब पढ़ाई पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं उर्दू अदब को। उर्दू है क्या चीज़? उर्दू एक ज़बान है, ये तो सब लोग जानते हैं, जिस तरह हिंदी एक ज़बान है, अरबी है, फ़ारसी है, ये सब कुछ है, उसी तरह उर्दू भी एक ज़बान है। लेकिन उर्दू की खासियत ये है कि उर्दू कई ज़बानों को मिलकर बनाई गई है। और आप सभी लोग जानते हैं कई ज़बान, जैसे उसमें हिंदी के भी अल्फाज हैं, फ़ारसी के भी हैं, अरबी के भी हैं, यहाँ तक कि संस्कृत के भी अल्फाज हैं। इन सभी अल्फाज को एक जगह जमा किया गया, उससे एक नई ज़बान बनी जिसका नाम है उर्दू, ये सब लोग जानते हैं। अब सवाल ये है कि उर्दू कहाँ से निकली? तो उर्दू खड़ी बोली से निकली है, यानी उर्दू की जो माँ है वो खड़ी बोली है। उर्दू की भी माँ खड़ी बोली है और हिंदी की भी माँ
खड़ी बोली है ये, तो खड़ी बोली को हिंदवी भी कहा गया है, कहीं कहीं पर हिंदवी भी आया है, हिंदवी खड़ी बोली है। वहीं से दो पार्ट में ये जबान बटी, एक उर्दू और एक हिंदी। मोहम्मद मरगूब रहमान साहब और शमशाद अहमद साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो दो पार्ट में ये जबान बटी है, एक उर्दू और एक हिंदी। हम उर्दू पे बात कर रहे हैं। तो उर्दू जबान जब बनी तो उसके सबसे पहले शायर अगर कहीं कहा जाए रुमाना परवीन साहब, शमशाद अहमद साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, और रियाजुल रिजा साहब बिल्कुल लिखें, हिंदी में भी लिखें, उर्दू में भी लिखें, बहुत बेहतर है मेरी ज़िंदगी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अब्दुल कादिर साहब, मोहम्मद रईस अंसारी साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो उर्दू के बारे में मैं बता रहा था कि लिखने वालों ने बहुत लिखा, लेकिन इसमें जुनैद साहब, इंशाल्लाह उसकी PDF में बनाकर उसमें डाल दूंगा, कोशिश करूंगा। तो गैर ज़रूरी सवालों से बचें, और इसीलिए मैं जो अपना क्लास लेता हूं तो वो मतलब लिंक के ज़रिए लेता हूं, ताकि उन्हीं वही लोग शामिल हो पाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। शाबान टेक इन्फो, अबू नसर साहब, अब्दुल कादिर साहब, इकरामुल अंसारी साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो उर्दू की जब बात हो रही थी, तो उर्दू में लिखने के लिए पहले पहल क्या ज़रूरत हुई, ये आप जानेंगे अच्छी तरीके से। कि सबसे पहले जब उर्दू की ज़रूरत हुई वो बुजुर्गान दीन को हुई, क्योंकि वो तबलीग किया करते थे, वो पैगाम अल्लाह पाक का पैगाम बंदों तक पहुँचाते थे, जैसे ख्वाजा बंदा नवाज गेसुतराज, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। इन लोगों ने क्या किया कि ये रिसाले लिखने लगे उर्दू में, और वो रिसाले पब्लिक में जाते रहे, अवाम में जाते रहे, तो बहुत फ़रोग मिला बुजुर्गान दीन से उर्दू को। उसके बाद शायरों की एक जमात तैयार हुई, जिसमें एक नाम है वहीदुद्दीन, एक नाम है मसूद साद सलमान का, वो भी लिखे, लेकिन उनका कोई भी कलाम किसी के पास मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी तारीख ही हटा दी गई। मसूद साद सलमान कौन है लोगों को ये पता नहीं है। तो उर्दू का पहला शायर माना गया अमीर खुसरू को। अमीर खुसरू ने लिखा, उनकी पहली गज़ल है जो सब लोग जानते हैं, ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल, पहली गज़ल है उर्दू की। उर्दू वहाँ से होते होते आज जो हम लोग हैं यहाँ पर उर्दू आई है। आप जान ले यहाँ पर उर्दू को दो हिस्से में बांटा गया, सिर्फ उर्दू को ही दो हिस्से में नहीं बांटा गया है, जितनी भी ज़बानें हैं वो दो हिस्से में हैं, सिर्फ उर्दू में नहीं है, हिंदी में भी है। तो हिंदी भाषा है उसको दो भागों में बांटा गया, एक को गद्य कहते हैं, एक को पद्य कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर है उसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, एक को प्रोज कहते हैं और एक को पोएट्री कहते हैं। इसी तरह उर्दू को भी एक नस्र है और एक नज्म है। तो नस्र और नज्म, ये आप जान लें कि ये नज्म और नस्र ये क्या चीज़ है। तो अभी आप सुनेंगे और हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि भूल जाएं आप। नस्र, पहले नस्र पे आते हैं। मैं जो कुछ आपको बोल रहा हूँ ये नस्र है, यानी नस्र में कवायद का लिहाज तो रखना ही है, क्योंकि उसमें वाहिद, जमा, तज़कीर, तानीस, ये सब का तो लिहाज रखा ही जाता है। साथ ही साथ नज़्म की जो सबसे बड़ी पहचान है कि वो आम बोल चाल की ज़बान में हो, जिसको प्रोज कहते हैं, जो बिल्कुल प्रोज कहते हैं इसको, जो आम बोल चाल की ज़बान में हो, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ आपके सामने, ये क्या है, ये नस्र है, ये नस्र है। और इसी का अपोजिट है, इसी का उल्टा है नज़्म। नज़्म का मतलब होता है पिरोने वाला, यानी जिसको पिरो दिया गया। पिरोया कहाँ पर जाता है, तो आप जानते होंगे कि हार, लोग हार जो पहनते हैं उसमें मोतियों को पिरोया जाता है एक सलीके से, कि दो मोती, काला मोती है, फिर एक उजला मोती है, फिर तीन काला मोती है, फिर उजला मोती है, इस तरह उसको सलीके से, ताकि देखने वाले को खूबसूरत लगे। तो लफ्ज़ों को जहाँ पिरोया जाए उसको कहते हैं नज्म, लफ्ज़ों को पिरोने को नज्म कहते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जान लें। अब लफ्ज़ों को पिरोने का तरीका भी है और उसकी कवायद भी है, जिसमें आप क्या है, शाबान साहब, ये वीडियो मैंने बना दी है और लिंक मैंने इसका शेयर नहीं किया है, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें तो मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा, ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। एडमिर अनवीन साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो लफ्ज़ों को किस तरह समेटते हैं, जैसे मैंने कहा कि
मेरे लबों पे मेरी तमन्ना दुआ बनकर आती है, मेरे लबों पे मेरी तमन्ना दुआ बनकर आती है, तो ये नसर हो गया क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ों को सजाया नहीं गया है। वहीं अल्लामा इकबाल अगर इसको कहते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, ऊपर देख रहे हैं ना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ऊपर तमन्ना है नीचे खुदाया है, यानी यहाँ पर काफिया, रदीफ, वजन, बहर, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसकी लंबाई, ऊपर जितने रुकन है नीचे भी उतने रुकन है, रुकन अगर आप नहीं समझेंगे ये जान ले, ऊपर जितने हरूफ हैं लगभग लगभग नीचे भी उतनी हरूफ होनी चाहिए, 5-6 इधर उधर हो सकता है। तो ये सब उर्दू के बारे में है कि ये नज्म हुई। अब नज्म में हम लोग चलेंगे और नज्म के साथ साथ नसर में भी चलेंगे, ये आज का पहला क्लास होगा आपको आपका। तो सबसे पहले हम चलते हैं नसर की तरफ। तो नसर में जो सबसे खास चीज़ है वो क्या है, मजमून। आप किताबों में पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा मजमून ही पढ़ते हैं, मजमून किसको कहते हैं ये एक सवाल है। यौम इस्तेहसाल एडमिन एडमिन साहब आपने कहा, मैंने कल भी इसका जवाब दिया था। उसके बाद है, चलिए, शारबीन परवीन साहबा, एम हुसैन साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बाकी सवाल सभी रहने दे, बाकी कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये बीच में जब ये सिस्टम टूट जाता है ना तो मतलब उसको जोड़ने में परेशानी होती है। काशिफ इकबाल साहब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो अब हम नसर में चलते हैं। नसर को आपने देख लिया कि नसर क्या है। नसर है जिसको हम लोगों ने जाना कि नसर में आम बोल चाल के अंदाज में कोई बात की जाती है, आम बोल चाल के अंदाज में, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, तो ये आम बोल चाल के अंदाज में जब हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको नसर कहा जाता है। और इसी को जब सलीके से, कायदे के मुताबिक, वजन के मुताबिक, रुकन और बहर के मुताबिक जब इसको लिखते हैं तो ये नज्म है। तो पहले नसर में जानते हैं नसर की और कौन कौन सी अस्नाफ है, कौन कौन सी किस्में हैं। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें मजमून। मजमून आप लोग पढ़ते ही हैं, जैसे पानी पे मजमून लिखे, मजमून आप लोग लिखते भी होंगे, लेख जिसको कहते हैं, पानी पर मजमून लिखे, गाय पर मजमून लिखे। मजमून किसको कहते हैं, किसी खास मौजू पर, जान ले, किसी खास मौजू पर किसी खास मौजू पर, ये क्या हो गया, किसी खास मौजू पर जब हम कुछ लिखते हैं बोलते हैं तो वही नसर है, वही मजमून है। किसी खास, कोई खास मौजू होना चाहिए, जैसे पानी, पानी के बारे में हम वो सारी जानकारियां दे दें जो एक कारी चाहता हो पानी। लेकिन इस पर मैंने एक बहुत खास वीडियो बनाई है, 4 सवाल अपने जहन में रखें, क्या, क्यों, कब, कैसे। इन चारों सवालात के जवाब अगर आपने दे दिए तो वो मजमून हो गया, लेकिन एक आम मजमून हुआ, वो बहुत ख़ास मजमून नहीं है। इसमें जितने भी सवालात बन सकते हैं उन सभी सवालात के जवाब दें, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, किधर, किस लिए, किसको, इस तरह के सवालात के जब जवाब आपके मजमून में मिल जाए तो आपका मजमून कामयाब मजमून कहलाएगा। चलिए, मैंने रिमूव किया, मैंने पहले भी कह दिया था गैर ज़रूरी सवालात आप न करें, बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझे बताने में बहुत दिक्कत हो जाती है। जब ये टूट जाता है ना, ये दिमाग ही है मेरा, जब ये सिस्टम टूट जाता है तो, अब मैंने पहले भी कह दिया था लाइव क्लास में वही लोग रहे जिनको दिलचस्पी है, जिनको ज़रूरत है, गैर ज़रूरी लोग नहीं रहे लाइव क्लास में, क्योंकि मुझे व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब नहीं करना है। व्यूज़ बढ़ाना होता तो थंबनेल पर मैं डाल देता कि आप मेरे लाइव में आए और सब लोग 100% पास कर जाएं, सब लोग दौड़े दौड़े आते, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जो लोग हैं काम के लोग रहे, गैर ज़रूरी लोग नहीं रहे। तो मजमून में सभी सवालों के जवाब होनी चाहिए। पानी के बारे में, पानी कहाँ से आता है, पानी के क्या क्या फ़ायदे हैं, पानी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, पानी की क्या क्या ज़रूरतें हैं, हम लोग पानी के लिए क्या क्या करते हैं, पानी की क्या क्या, पानी के बारे में बताएंगे कि पानी से जुड़े हुए और जो भी सवाल है वो सब जब हम पूरा कर देंगे तो ये मजमून हो जाएगा। एक सवाल बहुत अच्छा आया है, अफसाना और मजमून में क्या फ़र्क है, बहुत अच्छा है।
देखिए मजमून जो लिखते हैं ना वो मजमून हकीकी होता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको देखते हैं, जिसको पढ़ते हैं, जिसको सुनते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। पानी पर मजमून लिखा, पानी को आपने देखा है, पानी को महसूस करते हैं, पानी को जानते हैं, पानी पीते हैं, इसलिए इसमें कोई भी बात ख्याली नहीं होती है, ख्याली बात नहीं है, जो बात है सच बात है इसमें। और वही अगर ख्याली हो जाए, आप ख्याल में किसी कहानी को बयान कर देते हैं तो वो अफसाना है। अब अफसाना मिसाल के तौर पर मैं भाभी जान को ले रहा हूँ कि भाभी जान में रुकैया भाभी हैं, क्या रुकैया भाभी दुनिया में है? कहीं कहीं नहीं है। अख्तर साहब हैं या नन्हे भाई हैं, या फिर क्लास इंटर में लेता हूँ तो इंटर में जब आप देखें, प्रोमिस लेता हूँ तो प्रोमिस में ही आप देखा, आपने देखा कि अम्मू है, हमीद है, जमशेद है, रशीद है, ये सब है। क्या ये सब दुनिया में है? नहीं है, ये सिर्फ जहनी पैदावार है कि जहन में उभरा है कि चार आदमी के नाम को इस तरह से किया जाए, माँ का नाम अम्मू रहेगा। तो ये अफसाना क्या? झूठी बातें हैं। अफसाना जो बातें हैं, अफसाने में झूठ बातें होती हैं, लेकिन मजमून सच्चा होता है, मजमून में कोई झूठ नहीं होता है। मजमून में किसी चीज़ की खूबी और ख़राबी के बारे में हम बात करते हैं, मजमून में हम जिस पर मजमून लिखते हैं उसके बारे में जानकारी हम दूसरों को देते हैं, लेकिन अफसाने में ऐसी बात नहीं है। अफसाने में ज़िंदगी के लम्हात को शेयर किया जाता है, यानी अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, वो कोई लिखने वाला अगर चाहे तो लिख ले, वो अफसाना हो जाएगा। अफसाने में जो किरदार होते हैं वो ख्याली होते हैं। ये आपने देख लिया मजमून, मजमून और अफसाना इसी में हो गया। लेकिन अफसाने के बारे में आप थोड़ा डिटेल से अगर बता दें तो अफसाने में एक अफसाने की तारीफ ये भी है कि अफसाना को एक ही निशस्त में पढ़ सकें, यानी एक ही बार बैठे तो पूरा अफसाना हम पढ़ लें। अफसाना इतना बड़ा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम उसको पढ़ते जाएं और वो ख़त्म ही नहीं हो, तो वो नॉवल हो जाएगा, वो अफसाना नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद तीसरा नाम आता है इंशाइया का। इंशाइया किसे कहते हैं? मजमून की तरह ही है, बिल्कुल मजमून ही है, इंशाइया और मजमून में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन मजमून में संजीदगी होती है। मजमून पढ़ के आप कभी हंसेंगे नहीं, मजमून पढ़ के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बिगड़ेगी, लेकिन अगर इंशाइया आप पढ़ लेते हैं तो आप हंसने लगते हैं, क्योंकि इंशाइया का जो तरीका होता है लिखने का वो उसी तरह से होता है, उसमें हंसी होती है, मजा होता है, ताकि पढ़ने वाला पढ़े भी और मुस्कुराए भी। जी इंशाइया के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। इंशाइया, इंशाइया क्या है? वो इंशाइया मजमून की एक किस्म है। इंशाइया में जो मौजूआत होते हैं, मौजू को लिया जाता है, लेकिन मौजू से अलग भी बात करने की गुंजाइश होती है, इसमें मौजू से अलग बात करने की गुंजाइश होती है, याद रखें। लेकिन अगर मजमून हम लिखते हैं तो उसमें जो टॉपिक हमको दिया गया उसी टॉपिक पर हम लिखेंगे। मैं एक पैराग्राफ मजमून का और एक पैराग्राफ इंशाइया का पढ़कर आपको सुना दे रहा हूं, ताकि फ़र्क करने में आसानी हो। पहले मजमून, दो तीन जुमले ही। कुत्ते वफादार जानवर होते हैं, कुत्ते हमारे घर की निगरानी करते हैं, और ये रातों को जागते हैं, ये हमारी पहरेदारी करते हैं। ये मजमून इंशाइया पर आते हैं। पतरस बुखारी का एक मजमून एक बहुत मशहूर इंशाइया है कुत्ते, उसका थोड़ा सा टुकड़ा मैं पेश कर रहा हूँ। कुत्ते रात भर जगते हैं और दूसरों को भी जगाते हैं। ये कुत्ते जब रात हो जाती है तो किसी चायखाने की टूटी हुई चौकी से बाहर निकलते हैं और इस तरह शेर करना शुरू कर देते हैं कि बाकी कुत्तों पर भी इसका असर पड़ता है और दूसरे कुत्ते भी पूरी की पूरी गजल सुना जाते हैं। ये इतने ढेठ होते हैं कि ये अगर सड़क पर पड़े रहे तो क्या मजाल कोई इनको सड़क से हटा दे। अगर गलती से किसी साइकिल वाले की साइकिल का चक्का इसकी पूंछ पर पड़ गया तब साइकिल वाले को साइकिल छोड़कर भागना पड़ेगा। आपने देखा कि इंशाइया को पढ़ने के बाद हंसी आती है, जबकि मजमून को पढ़ने के बाद हंसी नहीं आती। इंशाइया में तंज होता है, यानी कमेंट होता है। इंशाइया में आसान तरीका होता है, यानी इसमें आज़ादी होती है कि आप ख्याली बातें भी ला सकते हैं, अपने मन से नए नए अल्फाज को भी आप शामिल कर सकते हैं, इंशाइया में आप शामिल कर सकते हैं, मजमून में नहीं। मजमून में जो भी बात कहेंगे दलील के साथ कहेंगे। गांधी जी पटना में पैदा हुए, ये कैसे हो सकता है? गांधी जी तो पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए।
तो आपको दलील देनी होगी कि गांधी जी, जब आपने जब कहा कि गांधी जी पटना में पैदा हुए, तो आपको दलील देनी होगी कि गांधी जी पटना में पैदा हुए किस किताब में लिखा हुआ है। तो ये दलील आपको मजमून में देनी होगी, लेकिन इंशाइया में किसी तरह की कोई दलील नहीं है। वो सब पढ़ने वाला जिससे खुश हो जाए, यही देखा जाता है इसमें। तो ये आपने जान लिए इंशाइया और मजमून के बारे में। और कोई सवाल ना कहा तो पूछे। कहानी किसको कहते हैं और अफसाना किसको कहते हैं, इस पर जान ले, बहुत खास बात है। देखिए कहानी और अफसाना दोनों तो ख्याली बातें होती हैं। यहाँ भी मैं दो तरह के जुमले बोल रहा हूँ और फिर मैं अलग आपको बताऊंगा। एक पैराग्राफ मैं कहीं से लेता हूँ कि वो अपने घर में बहुत खुश रहती थी, उसके पास दो बच्चे थे। वो जब खाने का वक्त होता था तो बच्चे उसके पास आते थे और ये खाना परोसा करती थी, बच्चे खाते और खुश होकर बाहर निकल जाते थे। उसका शौहर भी उसे बहुत चाहता था, घर की ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजर रही थी। इसमें कोई बात आपको झूठी लगी? ऐसा हमारे समाज में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई बात या कोई किरदार झूठा नहीं है। अब मैं आपको कहानी के बारे में बता रहा हूँ कि मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक ने देखा कि एक ट्रक उधर से आई और वो ट्रक मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। मैं चौंक गया कि ये ट्रक कहाँ गई। फिर मैं कुछ दूर आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि आसमान से उड़ता हुआ घोड़ा आ रहा है, जो घोड़ा धीरे धीरे मेरे पास आ गया। अब बताइए क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जिसमें ख्याली बातें हो वो कहानी है, और जिसमें सही बात हो लेकिन वो कहानी के रूप में हो, किरदार उसके फर्जी नहीं हो, याद रखिए किरदार उसके फर्जी तो दोनों के किरदार है लेकिन ख्याली नहीं हो, तो वो अफसाना है। मिसाल के तौर पे एक और बात मैं बता रहा हूँ आपको तो समझे। कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, तो कछुआ और खरगोश की कहानी है, वो अफसाना नहीं है। कछुआ और खरगोश में शर्त लगी कि कौन दौड़ेगा और दोनों की दौड़ हुई। खरगोश ने सोचा कि मैं आराम कर लेता हूँ। आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है? आवाज़ का प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, माइक मेरे पास है, ऑलरेडी है, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन जल्दी में था। मैं ठीक ही कर रहा था इसको, मैं सेट ही कर रहा था कि गलती से ऑन हो गया, इसलिए मैं कुछ लगा नहीं पाया। क्या कहते हैं इसको, इमादुर्रहमान साहब और शुएब आलम साहब के साथ शाहनवाज आलम साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। अब आवाज़ आ रही होगी। मैं लाइव के लिए सेट ही कर रहा था कि ऑन का बटन, मतलब ऑन का बटन टिपा गया और लाइव हो गया, इसलिए देख रहे हैं ये इस तरह जिस तरह रहा सामने हूँ आपके। तो ये आपने देखा कछुआ और खरगोश में बात हो रही है, क्या कछुआ और खरगोश बात कर सकते हैं? आप लोग का जवाब होगा नहीं। तो ये कहानी है, लेकिन अगर दो आदमी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, तो वो अफसाना है। लेकिन दोनों की जो कहानी होती है, यानी दोनों की जो बात होती है, वो सब फर्जी होते हैं, वो सब ख्याली होते हैं, वो सच नहीं होता। ना कहानी सच है ना अफसाना सच है, लेकिन किरदार पर यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि किरदार जो कहानी के होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन पर हम यकीन नहीं कर सके, लेकिन अफसाने के जो किरदार होते हैं उस पर हम लोग यकीन कर लेते हैं। अब बात आती है नॉवेल और दास्तान की, एकदम आसान से इसी को जोड़ लें। अफसाना छोटी चीज़ है और इसी की अगर कोई बड़ी चीज़ है तो वो नॉवेल है, याद रखें। अफसाना छोटी चीज़ है, इसी की बड़ी चीज़ है नॉवेल। कहानी छोटी चीज़ है, इसी की बड़ी चीज़ अगर कोई बता दे तो ये दास्तान है, जान लिया। इसी ये माँ और बेटे का रिश्ता है, माँ और बेटी का रिश्ता है कि नॉवेल माँ है तो बेटी क्या है? अफसाना है। दास्तान माँ है तो बेटी क्या है? कहानी है। दास्तान में भी इसी तरह किरदार, इसी तरह ख्याली किरदार होते हैं। हातिम ताई एक दास्तान है, आपने इसको शायद फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी फिल्में आई हैं हातिम ताई की, उसमें आपने देखा है कि उसमें भूत हैं, प्रेत हैं। क्या ऐसा हमारी हकीकी ज़िंदगी में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो फ़र्क क्या है आखिर, एक नॉवेल और एक अफसाना या दास्तान और कहानी में फ़र्क क्या होता है? तो फ़र्क ये होता है कि अफसाना में ज़िंदगी के सिर्फ एक पहलू को बताया जाता है, एक पार्ट को बताया जाता है, और नॉवेल में ज़िंदगी के कई पार्ट्स को बताया जाता है। उसको जान ले, अगर ज़िंदगी का एक ही पार्ट अगर बताया जाए तो वो अफसाना हो गया, और ज़िंदगी के सभी पार्ट्स को बताया जाए तो ये नॉवेल हो गया। जैसे आप देखते होंगे फिल्मों में,
फिल्म जो बनती है वो नॉवल पे बनती है, अफसाने पे नहीं बनती है। उसमें हीरो का बचपन भी है, हीरो की जवानी भी है, और उसमें कई किरदार एक साथ आते रहते हैं, विलेन भी आता है, ये सब कुछ वहाँ मौजूद रहता है। और अफसाने में ऐसा नहीं होता है। अफसाना जब आप पढ़िएगा तो वहाँ सिर्फ एक ही की बात होती होगी, शुरू से आखिर तक एक ही है। भाभी जान जो अफसाना आपने पढ़ा है उसमें देखा कि शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ भाभी जान की बात है, दूसरा कोई बीच में नहीं आया है। चलिए उसके बाद तो ये नॉवेल और दास्तान के बारे में आपने समझ लिया। आपने कहा गीत, और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पूछ रहे हो और याद नहीं हो रहे हो, गीत और गज़ल में क्या फ़र्क है। इसी बीच नायाब साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। गीत और गज़ल में क्या फ़र्क है। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर और सबसे मकबूल यानी सबसे पॉपुलर सिन्फ है। उर्दू शायरी में जितनी शोहरत गज़ल को मिली किसी और को नहीं मिली। गज़ल का अलग कानून है, गज़ल में कम से कम 5 अशार होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गज़ल में 17 अशार होते हैं, कहीं कहीं पर 13 भी लिखा गया लेकिन 17 ही माने, 17 अशार होते हैं। गज़ल का पहला मिसरा जो पहला शेर जो होता है उसको मतला कहते हैं, और जो सबसे आखिर का शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। गज़ल का हर शेर दो मिसरों का होता है। मिसरा मतलब होता है लाइन, जिसको अंग्रेज़ी में हम लाइन कहेंगे, एक लाइन को एक मिसरा कहेंगे। तो गज़ल का हर शेर दो मिसरों का होता है, और ये मिसरे क्या होते हैं, दोनों बराबर के होते हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइन बड़ी हो एक लाइन छोटी हो। अब मैं इसकी गहराई में जाऊँगा तो बहुत आगे की बात हो जाएगी। गीत क्या है। गीत हिंदी ज़बान से आया है। देखिए गज़ल आई है और गीत आया है। गीत अच्छा है, गज़ल अच्छी है। एम साहब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु, बहुत बहुत शुक्रिया। इल्म अरूज के बारे में आप वीडियो देखते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गीत क्या है। हिंदी सिन्फ है, ये हिंदी में बहुत पॉपुलर है, और हम लोगों ने जो लिया है इसे वो हिंदी से ही लिया है। ये उर्दू की सिन्फ नहीं है, हिंदी की सिन्फ है। इसीलिए इसमें देखते होंगे कि इसमें चरण होते हैं, सम चरण, विषम चरण, साथ ही साथ इसमें एक मुखरा होता है और एक अंतरा भी होता है। शहबाज हुसैन साहब और शमशाद साहब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। तो ये इसकी शर्त है। दुलाल सर मेरे लेट हो गए, कोई बात नहीं। जहांगीर साहब लेट हो गए, कोई बात नहीं, चलेगा। तो हिंदी से आई हुई ये सिन्फ है जिसको गीत कहते हैं। और जो मैं सच बताऊं कि हमारे इलाके में गीत से ज़्यादा पॉपुलर कोई और सिन्फ नहीं है। हमारे यहाँ शादी हो तो गीत, घर में किसी के मंगनी हो तो गीत, क्या कहते हैं, दुल्हन जाती हो तो गीत, दूल्हा आता हो तो गीत, आप देखते होंगे फसल की कटाई हो तो गीत, बच्चे की छट्टी हो तो गीत। औरतों को देखिएगा आप, वो गीत गाने में कितनी माहिर होती हैं, कमाल है। कभी कभी देखकर ताज्जुब होता है कि एक जो औरत होती है वो किसी और ज़िला किसी और रियासत की होती है, बाकी किसी और रियासत की, और जब वो एक मुखड़ा पकड़ती है बाकी औरतें भी गाने लगती हैं। गीत कितना मकबूल है इससे पता चल सकता है। याद रखेंगे गीत में सम चरण और विषम चरण होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं उसके। इसलिए गीत और गज़ल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गीत में इसमें आप देख भी सकते हैं, इसके अलग से वीडियो भी है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु शॉर्ट एपिसोड साहब। और कोई सवाल है तो सवाल पूछें और कल से इंशाल्लाह इसलिए मैं सेट नहीं कर पाया, वो फेसबुक लाइव था और ये देख रहे हैं आप, ये फेसबुक लाइव की तरह ही सेट है। मरसिया और कसीदा में क्या फ़र्क है, ये आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मरसिया लफ्ज़ रेसा से होता है। भिवानी बोर्ड की भी तैयारी करवाते हैं। नसीमा खातून साहबा
नहीं, वहाँ के बोर्ड के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सिलेबस में अगर आप देखें तो कहानी, गीत, गज़ल, ये सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये किसी ख़ास बोर्ड के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ भी उर्दू हो वहाँ के लोग इसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। और हम मैं अपने बारे में क्या कहूँ कि मेरा, मेरे इसमें जो व्यूज़ आते हैं वो भारत से कम आते हैं, मेरे व्यूज़ भारत से कम आते हैं, ये बहुत अजीब तरह की बात है। भारत के लोग इसको बहुत कम देखते हैं, शायद यहाँ उतना नहीं हो पाया, लेकिन बाहर के लोग इसको ज़्यादा देखते हैं। खैर, इस बीच ज़ुबैर ख़ान साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, आपने कहा था मरसिया और कसीदा, मरसिया लफ्ज़ रिसा से हुआ, रिसा का मतलब गम मनाना, उदास होना, रंजीदा होना, और क्या कहते हैं किसी के मौत पर क्या हो जाता है, मातम करना। मरसिया का मतलब ही होता है मरने वाले की खूबी बयान करना, वो नज़्म जिसमें मरने वाले की खूबी बयान की जाती हो उसको मरसिया कहते हैं। खूबी ये याद रखेंगे, मरने वाले की बुराई नहीं करेंगे इसमें, ऐसे ही जो मर गया उनकी बुराई नहीं करनी है, तो मरने वाले की खूबी जब हम बयान करेंगे तो उसको मरसिया कहेंगे। गालिब ने जो कहा था, लाजिम था कि देखो मेरा मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए और तन्हा गए तुम और रहो तन्हा कोई दिन और, तो ये मरसिया उन्होंने अपने भांजे के आरिफ की मौत पर लिखा था। तो किसी की मौत पर अगर कोई हम नज़्म लिखते हैं तो उसको मरसिया कहते हैं। मरसिया दो पार्ट हैं, याद रखिएगा, जो बहुत कम लोग ही इसको बताते हैं। मरसिया जो असल है, असल मरसिया, वो हज़रत इमाम हुसैन के लिए है, और जो अस्हाबे करबला हैं, जो करबला में शहदाए करबला हैं, करबला में जो शहीद हुए, उनकी मौत पर जब कुछ लिखा जाए तो उसको मरसिया कहेंगे। उनकी मौत पर अगर, उनकी शहादत पर अगर हम कुछ लिखते हैं तो ये मरसिया है, ये सही में मरसिया है। जैसे लिबास है फटा हुआ, गुबार है अटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, ये कौन सी वक़ार है, बला का शह सवार है कि है हज़ार कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, तो ये क्या है, ये मरसिया है। तो ये मरसिया किसके लिए, इमाम हुसैन के लिए, तो ये वाकई मरसिया है, यही प्योर मरसिया है। और इमाम हुसैन और करबला के जो शहदाए किराम हैं उनके अलावा अगर किसी और पे लिखा जाए ये कुछ, तो उसको कहते हैं मरसिया शख्सी, मरसिया शख्सी कहते हैं। मरसिया की बहुत सारी किस्में, लेकिन दो ही पढ़ना है, ये मैट्रिक और इंटर के बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी किस्में लेकिन मैं दो ही बताऊँगा आपको। तो मरसिया शख्सी कहेंगे इसको, जो जैसे गालिब ने जो लिखा अपने भांजे की वफ़ात पर, वो मरसिया शख्सी है। सीधे मरसिया अगर कहेंगे तो वो मरसिया सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन और इमाम हुसैन से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो शहदाए करबला में हैं, उन पर अगर कुछ लिखा जाए तो वो मरसिया कहलाएगा। मनकबत और मरसिया में क्या फ़र्क है, चलिए, मनकबत और मरसिया के बाद एक और सवाल था, उसमें कसीदा का बचा हुआ था, कसीदा किसको कहते हैं। देखिए, कसीदा कस्द से बना है, इरादा करना, कसीदा कस्द से यानी इरादा करना, यानी कसीदा को इरादा करके लोग लिखते हैं। कसीदा राजा, महाराजा, नवाब, इन लोगों के लिए लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, जो पैसे वाले हों उनके लिए लिखते हैं, क्योंकि जो कसीदा लिखते हैं उनको जो राजा महाराजा होते हैं, जो नवाब होते हैं, वो इनाम से नवाजते हैं। तो जब इनाम से नवाजते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कमाई हो जाती है, तो कसीदा लिखने का मतलब ही यही होता है कि वो उससे कुछ कमाई हो। कसायद ज़ौक़ बहुत मशहूर है, ज़ौक़ दहलवी, जिन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र पे बहुत सारे कसीदे लिखे, और बहादुर शाह ज़फ़र में कई गांव उनके हवाले कर दिया था खुश होकर, तो इसका मतलब ही वही होता है। मनकबत और मरसिया में क्या फ़र्क है, मरसिया में जो बात की जाती है वो मरने वाले की तारीफ़ होती है, लेकिन इसमें रोना होता है। मरसिया में इस तरह बयान करते हैं कि हम याद करके रो रहे हैं उनको, जैसे जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत के हैं गोया कोई दिन और भी बहुत सारे हैं, यानी मरसिया में रोया जाता है, उसका एक एक शेर जो होता है उसमें लगता है कि हम रो कर उसको बयान कर रहे हैं, लेकिन मनकबत में तारीफ़ होती है, वहाँ रोया नहीं जाता है। मनकबत जो बुजुर्गान दीन पर जो नज़म लिखी जाती है,
वो बुजुर्गान दीन पर जब हम लिखते हैं तो उनकी मौत का तस्करा नहीं करते, उनकी खूबियों का तस्करा करते हैं। वो कब इंतकाल किया उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे इंतकाल किया उससे कोई मतलब नहीं है, उनके जाने से क्या हुआ इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये देखना है हमको कि उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ थीं, वो खूबियाँ जब हम बयान करेंगे तो ये मनकबत है। मनकबत में रोया नहीं जाता है, याद रखेंगे, मनकबत में रोया नहीं जाता है, लेकिन मरसिया में रोया जाता है। शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2004 को हुआ, नोट कर लेंगे, सवाल आया था। और कोई सवाल है तो बताएं। मैं फिर यही कहूँगा, गैर ज़रूरी सवालों से बचें। मैट्रिक और इंटर वाले अगर कोई सवाल करते हैं बहुत अच्छा है माधुर रहमान साहब, लेकिन एक सवाल मैं आपको, मैं भी एक सवाल करूं कि जो कुछ मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं। अगर बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो मतलब तब्दीली करनी पड़ेगी मेरे बोलने में। तो अभी आपका सवाल था हम्द और मुनाजात में डिफरेंस भी बताएं। हम्द बहुत अच्छा सवाल है। हम्द का मतलब है अल्लाह पाक की तारीफ़ करना, वो नज़ जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ हो उसको हम्द कहते हैं। बहुत आसान है। हम्द, ये हम्द का लगवी मानी ही है तारीफ़ करना, और आप इसको सुन के तअज्जुब करेंगे। इसी हम्द लफ्ज़ से एक और नाम बना जिसको हम लोग मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो हम्द का लगवी मानी है तारीफ़ करना, किसकी तारीफ़ करना, अल्लाह पाक की तारीफ़ करना। अल्लाह पाक की तारीफ़ हम बयान नहीं कर सकते, हमारे पास वो है, हमारी वो हैसियत नहीं है, हमारी वो कुव्वत नहीं है, हमारे पास वो इल्म नहीं है कि अल्लाह पाक की तारीफ़ हम बयान कर सकें। कहा जाता है कि अगर सारी दुनिया के समुंदर को रोशनाई बना दिया जाए और सारी दुनिया के दरख्तों को दरख्तों को कलम बना दिया जाए काट काट कर, तो भी हम अल्लाह पाक की तारीफ बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो हैसियत है उसी हैसियत के मुताबिक जब हम अल्लाह पाक की तारीफ नज़्म के रूप में करते हैं तो वही क्या है, हम्द है। इसको समझ लीजिए, तारीफ़ किया तो हम, और जब अल्लाह पाक से हमने गिर गिरा कर दुआएँ मांगनी शुरू कर दी, वो नज़्म जिसमें हमने अल्लाह पाक के दरबार में अल्लाह पाक के रूबरू गिर गिरा कर दुआएं मांगनी शुरू कर दी, अपनी ख्वाहिशात बयान करनी शुरू कर दी, तो वो क्या है, वो मुनाजात है। जैसे रहम चाहता हूँ, करम चाहता हूँ, इलाही मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ, अता कर तू शान करीमी का सदका, ये सब है। या फिर मेरे करीम झुक के बड़ी आजजी के साथ तेरे करम के सामने फैला रहा हूँ हाथ। तो यहाँ देखिए, मुनाजात में गिर गिरा कर दुआएँ मांगी जाती हैं, मुनाजात में कुछ अल्लाह पाक से मांगा जाता है, किसी चीज़ की ख्वाहिश की जाती है। हम्द में सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही होती है, जबकि कुछ शोरा उसमें कुछ मांग भी लेते हैं, लेकिन मांगने का कोई रिवाज नहीं है उसमें। हम्द में कोई ज़रूरी नहीं कि मांग लीजिए, ठीक है, लेकिन मांगने का कोई ये नहीं। मांगना अगर है तो उसके लिए अलग से मुनाजात होती है। उम्मीद है समझ लिया होगा आपने। अगला कोई सवाल है तो बताएं। अगला कोई सवाल है, इसमें आला की तरह अंजुम आरा साहब ने कहा, दिलशाद साहब ने कहा, सियाक व सबाक और तलखीस के हवाले से कुछ बताएं। इसमें आला कवायद है, इसलिए कवायद को हम लोग आज छोड़ देते हैं, कवायद के लिए अलग से क्लास हुई, कहीं तो कल कवायद के लिए हो जाए, फिर कवायद के जो सवाल आपको पूछने हैं वहाँ आप पूछ लेंगे। इसलिए कि इसमें आला में जहाँ जाएंगे तो इसमें कैफियत, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, क्या हुआ था, सियाक व सबाक और तलखीस के हवाले से हम लोग कुछ जानते हैं। सियाक व सबाक का मानी क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लें। तहकीक़ और तनकीद के बारे में कुछ बता दें, किरण कुमारी साहब, तहकीक़ और तनकीद के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। आफ्ताब साहब, इसको थोड़ा लिखिएगा, ये सवाल जो आए हैं ना, तहकीक़ और तनकीद के बारे में, जब कुछ सियाक व सबाक का मैं देख रहा हूँ। चलिए, सियाक व सबाक के बारे में और तलखीस के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। सियाक व सबाक का मानी होता है आगे पीछे,
आगे पीछे, यानी कोई टुकड़ा आपको दिया गया, कोई पैराग्राफ आपको दिया गया, तो आपको बताना पड़ता है कि इसके पहले क्या हुआ और इसके बाद में क्या हुआ। जैसे जो सियाक़ो सबाक के हवाले से पूछा जाता है कि मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, कहीं से भी उठाकर पूछ लेता हूँ मैं कि माँ को कैंसर हो गया था, बच्चों को फुर्सत नहीं थी कि वो माँ का ख्याल रखें, क्योंकि तीनों बच्चे बैरून मुल्क थे, सिर्फ एक बेटा हमीद था जो इस मुल्क में था, लेकिन वो भी वज़ीर था, जिसकी वजह से उसे माँ के पास आने की फुर्सत नहीं मिलती थी। मैंने ये टुकड़ा दे दिया और आपको इसकी तलखीस करनी है, मतलब इसका ख़ुलासा बयान करना है सियाक़ो सबाक के हवाले से, सियाक़ो सबाक के हवाले से इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको बताना ये पड़ेगा कि ये पैराग्राफ जिलानी बानो के अफसाना प्रॉमिस से लिया गया है, जिसमें जिसकी ख़ास किरदार अम्मू है जिनको कैंसर हो गया है। चार बेटे हैं, रशीद, हमीद, जमशेद, खुर्शीद, नाम उल्टा पुल्टा हो गया है, बहरहाल चार बेटे हैं। और वहाँ पूरी बात बतानी, यानी पहले की भी थोड़ी सी बात और बाद की भी थोड़ी सी बात आपको बतानी है, ताकि ये क्लियर हो जाए, वाज़े हो जाए कि ये पैराग्राफ लिया गया तो लिया कहाँ से गया, ये बात किसने कही, किससे कही। तो ये सियाक़ो सबाक के बारे में हुआ। उसके बाद आपने कहा तलखीज़, तलखीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी कि जो कुछ आप लिखते हैं, देखिए तलखीज़ का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक मैसेज आपसे किया, यानी मैंने एक पैगाम दिया आपको कि मेरा दोस्त है एक जो मुंबई जा रहा है, आप जाएँ और ट्रेन पर, मतलब ट्रेन का टाइम इतने बजे है, आप जाएँ और उससे ये बात बता दें। मैंने आपको कह दिया, 5 मिनट तक मैंने आपको समझाया, आप गए, जैसे ही आप गए ट्रेन खुल गई। अब जब ट्रेन खुल गई तो आप क्या कहेंगे, जाएंगे, तो क्या जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं वो सारी बातें आप कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, जो ख़ास पॉइंट्स हैं वो उनको बोल देंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है, ट्रेन जा। यही तलखीज़ है कि अगर कुछ कहा जाए उसको आपको 1/3 करना है। मिसाल के तौर पर अगर 100 अल्फाज हैं तो आपको 33 अल्फाज में जवाब देना है, 33 का मतलब पूरा का पूरा 33 ही नहीं हो, 30 भी हो सकता है और 38-40 भी हो सकता है, ये कोई जो पूरा 33 का 33 ही हो। तो ये तलखीस निगारी का है कि उसमें फ़ालतू बातें आप हटा दें, जहाँ इस्म का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वहाँ इस्म को हटाएं, वहाँ हर्फ इस्तेमाल करें, और ये बहुत सारे तरीक़े हैं, उसको लिखकर उसको समझा जा सकता है, और उसका एक उनवान भी देना पड़ता है तलखीस में कि इसका उनवान क्या होगा। तो ये तलखीस है छोटा करना। उसके बाद क्या था, तनकीद और तहकीक। हाँ चलिए, तनकीद और तहकीक के बारे में एकदम छोटा सा मैं बता रहा हूँ। तनकीद, कमेंट करना, तनकीद का क्रिटिसाइज़ करना, ये मतलब होता है अंग्रेज़ी में, ये तनकीद करते हैं। तनकीद में अगर किसी ने कोई गज़ल लिखी, मान लिया गालिब की एक गज़ल है, वो गज़ल मेरे पास है, अब उसमें तनकीद जब करते हैं तो तनकीद करेंगे तो क्या करेंगे, उसके अच्छाई और बुराई दोनों को याद रखेंगे, अच्छाई और बुराई दोनों को क़ारी के सामने पेश करना है कि इस गज़ल में अच्छाई क्या है, ख़ूबी क्या है इस गज़ल की, और इस गज़ल में कौन कौन से ऐब पाए गए, ये सारी बातें आपको ईमानदारी के साथ लिख देनी है। और ये आसान समझ लेना कि तनकीद क्या है, ये पोस्टमार्टम है किसी भी, मतलब जो कुछ लिखते हैं ये किसी भी तख्लीक के बारे में, तो वहाँ पर क्या है कि इसका पोस्टमार्टम है कि आप उसके बारे में लिखें, उसमें छुपी हुई बहुत सारी बातें होंगी जिस पर लिखने वाले की भी नज़र नहीं गई होगी, आपको उन सब बातों को लोगों के दरमियान रखना है, लेकिन ईमानदारी से रखना है, उसमें गुस्सा वगैरह नहीं निकलना है। ऐसा नहीं कि लिखने वाला मेरा दुश्मन है तो मैंने ऐसी तनकीद कर दी कि तनकीद उसकी तख्लीक पर ना जाकर उसकी ज़ात पर चली गई, ये बहुत बुरी आदत है, लोग ऐसा ही करते हैं आजकल कि अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया तो मेरे लिखने पर नहीं जाकर वो मुझ पर ही तनकीद करने लगेंगे, ये यही जाहिलियत है, इसलिए आजकल जो तनकीद हो रही है ना वो बहुत गलत हो रही है। याद रखें, जो मैंने लिखा है उसकी अच्छाई और उसकी बुराई ईमानदारी के साथ आपको दूसरों से शेयर करनी है, यानी आपको लिखनी है, वही तनकीद निगारी है। तहकीक को अंग्रेज़ी में कहते हैं रिसर्च। तहकीक के लिए आपको ख़ुद एक मौजू ढूंढना पड़ता है और उस मौजू में एक ऐसी चीज़ आपको तलाश करनी होती है जो
बहुत ख़ास हो, जब रिसर्च है यानी खोज है, तो फिर तलाश क्या क्या करेंगे आप? तो ऐसी चीज़ तलाश करेंगे जो नायाब हो या कमयाब हो, जिस पर लोगों की निगाहें कम गई हो या लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी हो। तो ये सब जो ख़ास बातें, रिसर्च का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ उठाकर हम दूसरों के दरमियान रखें जिसके बारे में लोगों को पहले से पता नहीं है, ये रिसर्च हुआ। तो रिसर्च सिर्फ सामान पे नहीं होता है। अब जैसे परवीन शाकिर की गज़ल, इस पर अगर कोई रिसर्च करेंगे, जिससे डिग्री मिलती है ना पीएचडी की, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की, तो रिसर्च करेंगे तो परवीन शाकिर की गज़ल में निस्वानी किरदार की अहमियत, अब एक ऐसा टॉपिक इसमें चुन लिया कि उसमें हमको बताना है कि परवीन शाकिर की गज़ल में औरतों के बारे में क्या कहा गया है, औरतों का कौन सा जज्बा, मतलब कौन से ख्यालात हैं परवीन शाकिर के औरतों के हवाले से, ये सब हमको बताना है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था क्लास 12 सवाल पूछे जवाब दूंगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भटक गया तो लोग बैठे हुए हैं सवालात लेकर, इसलिए लवाजिम हम्द के लिए मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, हिजरत किसे कहते हैं वो मैं बता दूंगा, क्योंकि आपकी क्लास में है जीनत परवीन साहिबा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हिजरत किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने को हिजरत कहते हैं। एक जगह से, याद होगा आपको आज से 1450 साल पहले मक्का शरीफ का वो इलाका जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे, वहाँ पर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने इस तरह के मजालिम ढाए, इस तरह के जुल्म ढाए कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, वो इलाका छोड़ दिया और एक नए इलाके की तरफ चल दिए जिसका नाम था यसरिब, जिसको बाद में मदीना कहा गया। तो ये जो एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसी को हिजरत कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हिजरत कहते हैं। अब आपकी किताब में जो है हिजरत, उसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि इसमें तीन हिजरत के बारे में बताया गया है। पहली हिजरत, तो पहली हिजरत है इंसान जब पैदा होता है वो पहली हिजरत है, क्योंकि हम लोग कहीं और थे और वहाँ से हमको दुनिया में भेजा गया, तो एक हिजरत है कि हम कहीं और थे, दुनिया में लाया गया हमको। दूसरी हिजरत क्या है कि इस बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का जो सफ़र है ये दूसरी हिजरत में है, और इसी को हिजरत इस्तेहकाम कहते हैं, यानी ठहराव कहते हैं इसको। तीसरी हिजरत क्या है? तीसरी और आखिरी हिजरत है मौत, जिसमें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा हिजरत के बारे में। तो अब रहने दिया जाए, फिर इंशाल्लाह हम कल आएंगे। सवालात आप लोग इस तरह रखें ताकि जवाब देने में सहूलियत हो, सवालात पूछें। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, क्लास 10th और 12th के अलावा अगर आपने कोई सवाल पूछे, जानकारी अगर आप लेना चाहते किसी प्रोग्राम की, किसी वीडियो की, वो मैं दे दूंगा। लेकिन अगर क्लास 10th और 12th के अलावा अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो फिर ये मैं नहीं दे पाऊँगा। इसलिए नहीं दे पाऊँगा कि इसी लाइव को अगर 10th वाले या 12th वाले बीच में फिर कभी देखना चाहेंगे तो उनके सामने जो मतलब जो सीन आ जाएगा वो गैर ज़रूरी बातें हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो लोग इसको देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जो है ये है, खालिस है, व्हाट्सएप पे मैंने दे दिया है, व्हाट्सएप का नंबर यहाँ मौजूद है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इसका भी ख्याल रखें कि मेरे पास एक दिन में 200 से 300 मैसेज आते हैं, उसमें मैं कितने का जवाब दे सकता हूँ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखें, आबाद रखें। अल्लाह हाफिज़।